स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में 20 साल के लीप के बाद अभिनेता शक्ति अरोरा ईशान के रोल में नजर आ रहे हैं, जहां सीरियल में वो अपनी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और अपने किरदार से दर्शकों को खूब इम्प्रेस कर रहे हैं। अभी तो दर्शक इनके किरदार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अभिनेता शक्ति अरोरा ईशान के रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद थे ही नहीं, बल्कि इनसे पहले इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं को ईशान के रोल के लिए कास्ट किया गया, पर वो अभिनेता किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो गए। पर आखिरकार वो कौन से अभिनेता हैं, चलिए आपको भी उन अभिनेताओं से मिलवाते हैं। नंबर 1, पार्थ समाथान। कसौटी जिंदगी के जैसे कई हिट सीरियल देने वाले अभिनेता पार्थ समाथान ने ईशान के किरदार के लिए शक्ति अरोरा से पहले मेकर्स ने इन्हें ही कास्ट किया था, पर जब मेकर्स ने सीरियल की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए इन्हें दी तो इन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहा, पर मेकर्स ने स्क्रिप्ट में चेंज करने से मना कर दिया और इन्हें डायरेक्ट ईशान के किरदार से रिजेक्ट कर दिया। नंबर 2, मोहसिन खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे कई सीरियल में काम करके मशहूर हो चुके अभिनेता मोहसिन खान को शक्ति अरोरा से पहले ईशान के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, पर जब इन्होंने सीरियल के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया तो ये अपने किरदार को परफेक्ट तरीके से पर्दे पर नहीं उतार पाए, इसी वजह से मेकर्स ने इन्हें ईशान के रोल से रिजेक्ट कर दिया। नंबर 3, अबरार काजी। ये है चाहते फेम एक्टर अबरार काजी आज इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता बन गए हैं। बता दें, शक्ति अरोरा से पहले मेकर्स ने ईशान के किरदार के लिए इन्हें भी अप्रोच किया, पर जब इन्हें सीरियल में काम करने के लिए मेकर्स ने फीस बताई तो इन्होंने मेकर्स से सीरियल में काम करने के लिए ज्यादा फीस की डिमांड की, और यही वजह है कि मेकर्स ने इनकी डिमांड को पूरा करने से इनकार कर दिया। नंबर 4, सौरभ राज जैन। इंडस्ट्री के हैंडसम अभिनेता सौरभ राज जैन को भी शक्ति अरोरा से पहले ईशान के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, पर इन्होंने सीरियल में कम टाइम देने के लिए कहा, पर मेकर्स ने कहा कि आपका लीड रोल है और आपको सीरियल में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और इसी वजह से मेकर्स ने डायरेक्ट सीरियल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, ईशान के किरदार के लिए इन अभिनेताओं में से कौन सा अभिनेता बेस्ट होता, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।